कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने अंबाला छावनी विधानसभा क्षेत्र के विकास में एक नया अध्याय जोड़ते हुए पंजोखरा साहिब माइनर में अंतिम छोर तक पानी पहुंचाने का वादा पूरा किया। अनिल विज ने क्षेत्र के किसानों की जीवन रेखा कही जाने वाली माइनर का उद्घाटन आज किया है। अनिल विज ने इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि 36 साल हो गए हैं इस माइनर को बने, लेकिन आज तक इसमें ना तो एक बूंद पानी आया और ना किसी नेता ने इसकी सुध ली, लेकिन हमने इसके टेल एंड तक पानी पहुंचाने का काम किया है। 82 में ये माइनर बना था, 36 साल हो गए, एक बूंद पानी नहीं आया आज तक, ना पानी आया, ना किसी नेता ने, ना किसी सरकार ने कभी इस इलाके की चिंता की। हमारी सरकार ने किसानों की ये समस्या को समझते हुए इसके ऊपर लगभग 8 करोड़ रुपया खर्च किया है और इसके टेल तक जो पानी पहुंचाने का काम किया जा रहा है। हमारी सरकार ने पहले भी सभी माइनरों का लगभग 300-350 माइनरों का टेल तक पानी पहुंचाया है और अब इसका पानी टेल तक पहुंचेगा। लगभग 14,000 एकड़ जो खेतों को ये इसके पानी का लाभ मिलेगा और यहाँ पर काम करने वाले लोग हैं, खुशहाल मेहनत करने वाले लोग हैं और इसका इनको बहुत लाभ मिलेगा। बता दें हरियाणा सरकार ने करीब 350 माइनर नहरों की दुर्दशा सुधारी है, जिसमें अंबाला के पंजोखरा साहिब से गुजर रही माइनर की हालत करीब 8 करोड़ की लागत से सुधारी गई है। इंडेक्स प्रेस के लिए अंबाला से राजकुमार शर्मा की रिपोर्ट।